जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम राहुल पिंडी की मरी रोड पे इस टाइम मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिन्होंने अपनी गाड़ी तैयार करवाई है स्पेशल। जानते हैं इन्होंने कब तैयार करवाई है, इस पे कितना खर्चा आया, कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका ताल्लुक किधर से है, कौन से इलाके से है? भाई मेरा ताल्लुक है जिला टक से, तहसील फतेहजान से। ठीक है, अभी आप पिंडी के रहायशी हैं? मैं इस टाइम पिंडी में हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। अपनी इस गाड़ी का मुझे बताएं कि आपको के जहन में कैसे आया कि गाड़ी तैयार करनी चाहिए, क्या स्पेशल 14 अगस्त के हवाले से आपने तैयार की है? बेसिकली मैंने ये गाड़ी ली थी पुराने मॉडल की, इसी एक जहन से यार इस गाड़ी को मैं तैयार कराऊंगा, थोड़ा सा इस पर अपने पाकिस्तान का नक्शा बनाऊंगा, पाकिस्तान के चारों सूबों का, चारों दरवाज़ों पे इसके अब चारों सूबे बनेंगे, पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर है उसको थोड़ा प्रमोट करेंगे और 14 अगस्त इस गाड़ी को निकाल के थोड़ा सा अपना ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये गाड़ी तैयार करवाते हुए कितना टाइम लग गया, कितने दिन लगे? इसको तकरीबन 1 हफ्ता लगा था तैयार होने में। अच्छा, और इस पर कितना खर्चा आया आपका? इस पे तकरीबन 22,000 रुपये टोटल खर्चा हुआ है। 22,000 रुपया, कोई गम है 22,000 रुपये खर्चा कर लिए पाकिस्तान की मोहब्बत के खातिर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह आपको खुश रखे। बाजे बजाने वालों को जो कहूँगा कि यार खुदा का वास्ता है, कम अज़ कम हमने पाकिस्तान ये बाजों से आज़ाद नहीं हुआ था, अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपना आप आज़ादी मनाएँ, अपना जश्न मनाएँ, लेकिन इस तरीके से मनाएँ ताकि दुनिया को पता चले कि भाई हम ये पाकिस्तानी कौम है, हम पुरअमन कौम है। ये देखें लोगों के गाड़ियों में, अब कल रात को मेरे साथ बंदे बैठे हुए थे, बाइक पे जाते हुए लड़कों ने पटाखे इसके अंदर फेंक दिया। तो शुक्र है लेकिन बचत हो गई थी हमारी। तो मैं ये खासकर हमारी ये जो यंग जनरेशन है इनको ये कहना चाहूँगा तो खुदा रहा थोड़ा सा ख्याल किया करें, फैमिलीज होती हैं साथ बंदों के तो उनको तंग ना करें बस। अच्छा, आप भी 14 अगस्त मना रहे हैं, आपको पता है कि कितने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए? 74 ईयर। ज़बरदस्त।